हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, आपको मैटर इन अवर सराउंडिंग का एक्टिविटी कहाँ तक की बताई थी हमने आपको? हमने आपको एक्टिविटी बताई थी 1.2 तक की। उसके आगे हमने आज हम बात करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे पास एनसीईआरटी की है, तो उसमें हमारे पास आता है सबसे पहले क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके क्या क्या फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, हमारे मेन पॉइंट्स क्या है, अब तक के जो हम लोग थे पार्टिकल्स के बारे में, मैटर के बारे में, सारी चीज़ें जितनी भी थी हमारे पास स्टार्टिंग में, सब इंट्रोडक्शन सीख चुके हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि उनके पॉइंट्स बताना है आपको, ठीक है? तो पहला हमारा पॉइंट है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल। जानते हैं आप क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि जो मैटर है हमारा वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। सही सी बात, जाहिर सी बात है, हमारे पास जितना भी हमारे पास जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं पहले, और उसको हम एटम्स और मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, देयर इज अ स्पेस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जाहिर सी बात है, हमने बताया था कि सॉल्यूशन अगर हमारे पास, मान ली वाटर है हमारे पास एक बीकर में, उसमें हम अगर सॉल्ट डालेंगे तो वो चीज़ डिजॉल्व हो जा रही है। क्यों डिजॉल्व हो पा रही, क्योंकि उनके पास स्पेस है। तो इसीलिए हमने कहा देयर इज अ स्पेस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्योंकि उनके पास क्या है, स्पेस है बेटा उनके पास, ठीक। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। ऐसा समझिए, इस पॉइंट को ऐसे समझिए जैसे कि मान ली हमारे पास क्या है, देखिए हम देखते हैं हमारे पास एक बड़ा सा एक हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है? उस ग्लास के अंदर हमारे पास क्या है, पानी है। हमें लगता है कि एकदम जो पानी है हमारे पास कॉन्स्टेंट है, एकदम एक ही है, ऐसा है, यानी कि कंटिन्यूसली हमें लगता है ये कंटिन्यूसली है, इसके बीच में पार्टिकल्स नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए वो कॉन्स्टेंट मोशन में दिखता है हमें, कि जो पानी है हमारे पास ग्लास में वो हमें लगता है कॉन्स्टेंट है, रुका हुआ है। लेकिन हमें ये मालूम है कि उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे, वो कॉन्स्टेंट मोशन में नहीं होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, लग तो रहा है हमें कॉन्स्टेंट मोशन में, ठीक है? तो इसीलिए हम कहते हैं कॉन्स्टेंट है, पानी जैसे ग्लास में रखा तो रुका हुआ है, कॉन्स्टेंट मोशन में है, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब आइए हमारे पास जो एक नेक्स्ट हेडिंग आएगी बेटा, तो इन्होंने पूछा है नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे पास आती है उसमें लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं क्या वो लगातार घूमते रहते हैं, ठीक है? ये तो पूछ रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, क्या वो मूव करते रहते हैं? तो इसको समझाने के लिए बेटा, इस हेडिंग को समझाने के लिए हमारे पास एक्टिविटी 1.3 आई, ठीक है? एक्टिविटी 1.3, हमने सिर्फ एक्टिविटी 1.3 आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लंबे चौड़े पॉइंट्स लिखे हैं। आप वो पॉइंट्स लिख दिए, कोई गलती नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन हमने यहाँ पे पॉइंट्स नहीं लिखे, हम उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कह रहा है, ठीक है? तो देखिए एक्टिविटी 1.3 में हमने सिर्फ इतना लिख लिया है, एग्जाम्पल ऑफ इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक जानते हैं बेटा क्या होता है? इंसेंस स्टिक का मतलब होता है अगरबत्ती, जिसको बोलते हैं हिंदी में अगर ती, ठीक है? इंसेंस स्टिक, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, इंसेंस स्टिक हमने लिख दिया, एग्जांपल है। इंसेंस स्टिक का मतलब जैसे कि मान लीजिए हमारी इंसेंस स्टिक है अगरबत्ती जिसको बोलते हैं, अगर आप इसको जलाओ बर्न करोगे और उसको किसी भी रूम के अपने जहाँ आप बैठे हो वो रूम में कहीं भी कोई कॉर्नर हो वहाँ पर जाके रख दो, क्या इसके जो हमारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो इसकी जो धुआं जिसको बोलते हैं हम लोग, उसकी जो पार्टिकल्स होंगे क्या वो एयर में जाएंगे, पूरे रूम में फैल जाएंगे, या ऐसा ही होगा कि जिस कॉर्नर पे रखिए सिर्फ उसी कॉर्नर पे होगा? नहीं, ये हम चाहे कोई भी कॉर्नर पे रखें अपने रूम के, या आप अपने जहाँ बैठे हैं उस रूम में कहीं भी ये रखोगे बेटा, तो वो पूरे के पूरे पार्टिकल्स क्या होंगे, उसके एयर में ट्रैप हो जाएंगे और पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने सर कि यहाँ पे हमने जलाया, जला के हमने किसी भी कॉर्नर में कहीं पे भी रख दिया, वो सिर्फ वहीं पे रहेगा, ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, एयर के अंदर जाके घुस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा उसके अंदर, वो ट्रैप हो जाएंगे और वो पूरा रूम में पूरी स्मेल
हो जाएगी। तो उससे ये पता चला कि जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो वाकई में कंटिन्यूसली लगातार घूमते रहते हैं। इस एक्टिविटी से आप समझ गए होंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अगर ना आ रही हो तो वीडियो को मेरा फॉरवर्ड बैक करिएगा, देखिएगा, रिमाइंड करके फिर से देखिएगा हमने क्या बताया आपसे, ठीक है। तो इंस्टेंस स्टिक का मतलब यही होता है। कोई पूछे इंस्टेंस स्टिक क्या होती है, अगरबत्ती जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम कहाँ पे आएंगे, एक्टिविटी 1.4 के पास आएंगे। एक्टिविटी 1.4 में बेटा देखिए क्या है, हमने यहाँ पे दो बीकर ले लिए। ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास है बीकर है। ये क्या है, बीकर, आप बीकर कह दो अपनी भाषा में, ठीक है, या डब्बा कह दो अपनी भाषा में, इसको बीकर बोलते हैं, ठीक है। तो बीकर में क्या है हमारे पास, दो हमारे पास बीकर है। तो देखिएगा आप अपनी एक्टिविटी 1.4 में एनसीईआरटी बुक उठाइएगा तो उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, उस पॉइंट्स को हम यहाँ समझा दे रहे हैं। वो पॉइंट्स हमने नहीं उतारे हैं, उन चीज को समझा रहे हैं। दो हमने बीकर लिए, दो बीकर में हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ पानी। ये क्या है हमारा, ये है हमारा वॉटर। ये क्या है, ये है हमारा वॉटर है। हमने दो बीकर लिए, दो बीकर में हमने क्या करा, पानी भर लिया, आधा आधा पानी भर लिया। फिर हमने क्या करा, इस बीकर जो है हमारे पास, उस बीकर के एंड पे, एज पे, किनारे पे हमने क्या करा, एक ड्रॉप ऑफ हनी भी रख दिया। क्या रख दिया, ड्रॉप ऑफ हनी भी, हनी समझते हैं, शहद की एक ड्रॉप, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, दूसरे बीकर लिया, उस बीकर के एज पे, किनारे पे हमने रख दिया ड्रॉप ऑफ रेड और ब्लू इंक। आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप रख देगा। हमने क्या करा, रेड और ब्लू इंक रख दी वहां पे, एज पे रख दी, ठीक है। तो इससे क्या होगा बताइए, क्या होगा इससे, इससे ये होगा, इसको एक्सप्लेन कर देंगे सेटिंग को कैसे। जब ये हमारी ड्रॉप ऑफ इंक धीमे 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 इस बीकर से, यहाँ पे हमने रखा ड्रॉप ऑफ इंक रखी, ठीक है, और यहाँ से धीमे धीमे क्या होगा, वो ड्रॉप ऑफ इंक नीचे आने लगेगी। जैसे ही नीचे आएगी तो पूरे पानी में डिजॉल्व हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे धीमे 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 आते 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 क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे थोड़ी सी होगी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिक्स होगा, उसके बाद क्या होगा, ये पूरे वाटर में मिक्स हो जाएगी। वैसे यहाँ पे हमने हनी रखा, यहाँ पे हनी बी की ड्रॉप, ये भी इसके अंदर आएगी और ये भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। हालांकि ये पहले जल्दी ज़्यादा स्प्रेड आउट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका पार्टिकल हल्का है, ये भी होगा लेकिन इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन होगा ये भी, ठीक है। तो ये क्या होगा, पूरे पानी में स्प्रेड आउट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यहीं पर रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तभी तो हम कहते हैं कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वाकई में वो 24 घंटे जिसको बोलेंगे कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। तो इसमें इंक आप डालेंगे तो पूरा इंक आप जैसे देखेंगे, आप अपने घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप बड़ा सा जार लेना, जार के पास आप अपने घर में आप देखिएगा, आपको उजाला टाइप एक आता था, उजाला, नील वगैरह, आप उसको ड्रॉप पे रखिएगा, या इंक आप ले लीजिएगा कोई भी आपके पास अवेलेबल हो, रेड हो, ब्लू हो, कोई सी भी इंक हो, वो आप डालिएगा, वो क्या होगा, पानी में पूरा फैल जाएगा और पूरा वैसे ही कलर आ जाएगा। अगर आप ब्लू इंक रखेंगे तो ब्लू आ जाएगा, रेड रखेंगे तो रेड आ जाएगा। तो इससे ये पता चला कि हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अगर ये पार्टिकल यहाँ गिरता और सिर्फ यहीं पे रहता, ऐसा नहीं था, पूरे पानी में फैल जाएगा, बिखर जाएगा, और वैसे ये भी बिखर जाएगा हमारे पास। तो इस एक्टिविटी, इन दोनों एक्टिविटी से ये चीज़ हमारी कन्फर्म हो गई कि हाँ, पार्टिकल्स हमारे जो होते हैं बेटा वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल्स क्या वाकई में कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ये दो हेडिंग थी, इसको जल्दी से उतारिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। जल्दी से बेटा नोट करिए इसको। तो बेटा देखिए, अब तक के हमने एक्टिविटी 1.4 तक की बात कर ली थी आपसे, ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5 में क्या दिया है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, एक्टिविटी 1.5 में दिया है कि आप ग्लास लिए, उसमें पानी लिए, उसमें देखिए उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन आएंगे, कि एक में कोल्ड वाटर लेंगे, एक में हॉट वाटर। हमने उस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं विद डायग्राम के साथ, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1.5 में बेटा आप अपनी बुक्स में देखेंगे काफ़ी पॉइंट्स लिखे हैं उसमें, ठीक है, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, पॉइंट्स आप उससे लिख लिएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे दो बीकर लिए, ये क्या है हमारे बीकर है, ठीक है, बीकर समझ रहे ना, बीकर कह दिए या वेजल कह दिए, या आपको जो अच्छा लगे आप डब्बा भी बोल सकते हो, ठीक है, बस समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने दो बीकर लिए, बीकर में हमने क्या करा, यहाँ पे इस बीकर को बीच से हमने डिवाइड करा, हमने यहाँ पे एक हॉट वाटर लिया एक बीकर के अंदर, और एक बीकर के अंदर कोल्ड वाटर लिया, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी लिया, ठीक है, हमने भर लिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए भैया, इससे क्या हुआ, इससे हमने क्या करा,
इसको जब हमने एक में हॉट और कोल्ड वाटर देखा तो इसमें हमने कुछ चीज़ें मिलाई, ऐड करी। कौन कौन सी चीज़ें ऐड करी, अब देखिए आइए देखते हैं। हॉट वाटर है हमारे पास ये वाला, कोल्ड वाटर है ये वाला, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें हॉट वाटर में हमने ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल डाल दिया, ठीक है, ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल ऑफ CuSO4 डाला। CuSO4 का मतलब क्या होता है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, कॉपर सल्फेट जो होता है हमारा ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का। वो ब्लू कलर किस वजह से आता है, CU की वजह से आता है ब्लू कलर, ठीक है। जो ब्लू कलर आता है इसके अंदर होता तो पूरा ब्लू कलर का है, लेकिन CU की वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है जो ब्लू कलर आता है। फिर हमने क्या करा, इस हॉट वाटर लिया, हॉट वाटर में हमने यहाँ पे एक ड्रॉप लिया, यहाँ पे CuSO4 डाला, कुछ ड्रॉप 2 से 3 4 ड्रॉप डाल देते हैं, और हमने क्या डाला है, KMnO4 डाला। K मतलब पोटेशियम, MnO4 पर मैग्नेट। हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट डाला, KMnO4 डाला। किस में डाला, गर्म पानी में डाला। हमने गर्म पानी लिया, डब्बा लिया, आधा पानी भरा, उसमें 2 बूंदे 4 बूंदे कॉपर सल्फेट डाली, फिर हमने KMnO4 डाला, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये जल्दी से रेडिली डिजॉल्व और मूविंग पार्टिकल, रेडिली डिजॉल्व और मूविंग पार्टिकल। रेडिली डिजॉल्व का मतलब बोला जल्दी डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है, जल्दी से डिजॉल्व हो रहा है, और उसके पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, नाच रहे, जुम 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 करके नाच रहे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने देखा रेट ऑफ इंटरमिक्सिंग, दूसरा पॉइंट सुनिएगा, रेट ऑफ इंटरमिक्सिंग हॉट वाटर रेडिली। जो हमारे पास हॉट वाटर था बीकर में, उसका जो मिक्सिंग पावर है, आपस में पार्टिकल मिल जाना, वो बहुत तेजी से हो रहा है हॉट वाटर में। जाहिर सी बात है कि गर्म पानी जब होगा तो गर्म पानी में, जैसे कि मान लिया अगर हम कोई चीज़ डालेंगे और एक ठंडे पानी में डालेंगे तो वो देर से घुलेगी, तो गर्म पानी में तेजी से हमारे इंटरमिक्सिंग होगी। अब चलिए कोल्ड वाटर पढ़ लेते हैं, फिर को एक्सप्लेन करेंगे पूरा। फिर इसमें हमने क्या करा, ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल यही डाला, किसके, CuSO4 के डाले, कि हमने 4 के डाले, लेकिन यहाँ इतने जल्दी रेडिली डिजॉल्व नहीं हो, रेडिली का मतलब तेजी से डिजॉल्व नहीं हो पाए क्योंकि ठंडा पानी है। फिर हमने जो यहाँ पे पावर देखी थी पार्टिकल के आपस में वाटर के साथ मिक्स हो जाने की, यहाँ पे तेजी से थी, रेडिली थी, लेकिन यहाँ पे इतना तेज नहीं था। तो इससे क्या पता चला कि ठंडे पानी में और गर्म पानी में ये देखा कि ठंडे पानी का टेम्परेचर कम होता है, गर्म पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिस कारण हमारे जो पार्टिकल आपस में होते हैं मिले, जब उनको ज़्यादा टेम्परेचर में किसी में डिजॉल्व करोगे तो वो एकदम से क्या होते हैं, हीटअप होते हैं, फिर उसके अंदर क्या होते हैं, सारे पार्टिकल्स घुल जाते हैं, दूर चले जाते हैं, घुल के एकदम मेल्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे पार्टिकल्स थे, आप जैसे कि मान लो आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप चाय जब बनाने जाते हो तो आप पानी लेते हो, ठीक है, पानी लेते हो, चाय हटाओ, नींबू पानी जैसे आप बनाते हो, तो आप क्या करते हो, एक पानी लेते हो कोई भी बाउल में या कोई भी बीकर वगैरह में, बाउल में उसमें लेते हैं आप, ठीक है, पानी लेते हैं, उसमें आप चीनी डालते हैं, डिजॉल्व करते हैं, चीनी इतने जल्दी नहीं डिजॉल्व होती, क्यों, क्योंकि उस वो जो पानी आपने लिया होता है वो टैप वाटर होता है आपका, ठीक है, वो आप क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है, वो आपको एकदम नॉर्मल आप टेम्परेचर पे उसको डिजॉल्व कर लो, इसलिए वो नहीं हो पाता है। आप देखोगे क्या, आप अगर फ्रिज का पानी लोगे, फ्रिज के पानी में क्या करोगे, आप उसमें चीनी डाल के घोलोगे, ठीक है, तो वो नहीं डिजॉल्व होगी चीनी। अगर आप उस पानी को गर्म कर दोगे, टेम्परेचर हाई कर दोगे उसका, तो वो पार्टिकल जो हमारे थे उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे। क्यों हुआ, क्योंकि गर्म पानी में, हॉट वाटर में बेटा टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इसका मिक्सिंग पावर तेज़ी से होगा और इसमें CuSO4 और KMnO4 जल्दी डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, हॉट वाटर में क्या होगा, तेज़ी से डिजॉल्व होगा, इसमें हम क्या डालेंगे, गर्म पानी लेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर गर्म पानी लेंगे, इसमें CuSO4 उठाएंगे, KMnO4 उठाएंगे, इसके अंदर डालेंगे, तो ये जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही हमारा क्या होगा, लो होगा, इसका हाई होगा। इस चीज को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक हेडिंग लिखी है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग दैट इज दे पजेस कॉल काइनेटिक एनर्जी। व्हेन द टेम्परेचर राइजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। सही, जाहिर सी बात है, जब जो हमारे पास पार्टिकल ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, ठीक है, जब गर्म पानी में डालोगे तो जल्दी वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो मोशन वाली एनर्जी होती है, जैसे कि आप साइकिल चलाते हो तो एक मोशन कर रहे हो ना, वो पैंडल मार रहे हो ना, तो मोशन वाली एनर्जी, जो मोशन वाली एनर्जी होती है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी।
तो इसका टेम्परेचर ज्यादा, तो पार्टिकल जैसे आपने बीकर के अंदर डाले, आपने ये उठाए कि हम उसके अंदर जैसे डाले, तो इसमें यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा गर्म है, तो जिस वजह से क्या होगा, जिसके अंदर हमारे जो हमारे पार्टिकल्स होंगे जल्दी से रेडिली डिजॉल्व हो जाएंगे, तो हम उस एनर्जी को जो कहेंगे यहाँ पे क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी, मोशन वाली एनर्जी को। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर होगा ज्यादा बढ़ेगा, वेन द टेम्परेचर राइजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज, जो इसके अंदर हम डालेंगे, जैसे कि हमारा क्या करेंगे, हमने क्या बताया, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारी टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी उसमें ज्यादा होगी, मोशन वाली एनर्जी, तो उससे क्या निकली हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी समझ में आई। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर राइज होगा उतना ज्यादा पार्टिकल का टेम्परेचर भी राइज होगा। मान लो ये हमारे पास USO4 KMnO4 है, इसको हमने इस बीकर में डाल दिया, ठीक है, हमने डाला, इसके अंदर डाला, इसके अंदर डालते ही भी हमने इसका टेम्परेचर नीचे से बंद करके एक्सटर्नल, ठीक है, बाहर से हमने इसको हीटअप किया, हीटअप करने के बाद इसको हीट करा, हीट करते ही जैसे इसके अंदर जो पार्टिकल्स आया था बेटा, यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स था, ये जो यहाँ पे डला हुआ था, इसमें मेल्ट होके डिजॉल्व होने लगेगा और इसके अंदर जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने लगेगी मोशन वाली, और ये चलने लगेगा, और जो चलने वाली एनर्जी होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे इसका बाहर से हम टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे तो अंदर जो पार्टिकल रखा होगा उसका भी टेम्परेचर राइज होगा, इससे ये समझ में आता है। जल्दी से नोट करिए बेटा, इसके बाद एक्टिविटी हम 1.6 कराते हैं, नोट करिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अब हमारे पास आया है नेक्स्ट हेडिंग जो आई है वो है हमारे डिफ्यूजन। कौन सी है? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन ने आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ डिफ्यूजन होता क्या है। तो डिफ्यूजन का मतलब, अगर आपको हम हिंदी में कहें कि डिफ्यूजन बताइए क्या होता है, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है बिखरना। क्या होता है? बिखरना। क्या होता है? बिखरना होता है। कोई चीज़ है, कोई चीज़, अगर ये चौक है, इसको हम ऐसे किसी में डाल दें, किसी भी हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें तेजी से वो अंदर जाके बिखर जाए, तो बिखरने को हम कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं। सर और समझाइए, समझ में नहीं आया। तो देखिए, हम डिफ्यूजन को ऐसा कहते हैं कि मान ली कोई हमारे पास एक सॉल्यूशन है या एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल में जाके मिले, मिलने के बाद इंटरमिक्स होने के बाद आपस में डिजॉल्व हो जाए, डिफ्यूज हो जाए, कहते नहीं है डिफ्यूज हो गए, कहते नहीं आइस डिफ्यूज हो गए, ठीक है। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में जाके डिजॉल्व हो जाए, डिफ्यूज हो जाए, उसे कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन से हम लोगों ने एक चीज और ऑब्जर्व की यहाँ पे कि इसकी जो डेफिनेशन होनी चाहिए क्या, तो हमने लिखा नेट मूवमेंट। जो हमारा नेट मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, कोई भी सब्सटेंसेस का, नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाए। सर नहीं समझ में आया, ठीक है बता रहे। इनका कहने का मतलब है कि जैसे कि हमने बताया एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में डिफ्यूज हो जाए, मान ली ये हमारा, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, इसका कंसंट्रेशन कम हो, तो ये जाके इसमें डिफ्यूज़ हो रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है? हायर से लोअर में आ रहा है। सर अभी भी नहीं समझ में आया, प्योर बता रहे। कहने का मतलब है कि जब एक बड़ा पार्टिकल हमारा हायर कंसंट्रेशन में हो, जैसे कि मान ली हम यहाँ पे एक बीकर लेते हैं, ठीक है, सपोज करिए हमने यहाँ पे बीकर लिया, इसके बीच में हमने यहाँ पे एक एक लेयर बना दी, ठीक है, यहाँ पे हमने एक ले लिया सॉल्यूशन, एक लिया सॉल्यूशन C1 माना, ठीक है, यहाँ पे हमने एक लिया सॉल्यूशन, क्या माना, C2 मान लेते हैं, ठीक है, एक सॉल्यूशन में माना हमने कहा बीकर है, बीकर को हमने बीच से डिवाइड कर दिया, ये जो हमारा डिवाइड करा है ये बेटा हो, मान लो हमने कहा ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मान ली, मेम्ब्रेन जानते हैं क्या होती है, जैसे कि एनिमल वगैरह की खाल वगैरह होती है, वो हम बीच में लगा देते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, या एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन में पास हो जाए, दूसरे से इसमें आ जाए, वापस आ जाए, तो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ऐसा समझिए कि मेम्ब्रेन है हमारे पास, ये मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर छोटे 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 होल है, ये ऐसा नहीं है कि बीच में हमने सॉल्यूशन को डिवाइड कर दिया, यहाँ का सॉल्यूशन इधर नहीं जा सकता, यहाँ का सॉल्यूशन इधर नहीं जा सकता, नहीं, ये हमने बीच में मेम्ब्रेन लगाई और मेम्ब्रेन में हमने क्या कर दिया, छोटे 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 परफोरेटेड होल कर दिए। परफोरेटेड का मतलब होता है कि छोटे छोटे होल, परफोरेटेड होल कर दिए। परफोरेटेड का मतलब कि एक सॉल्यूशन मान लिए C1 है, यहाँ पे वो इधर से घुस के
इधर आ जाएगा और एक सॉल्यूशन सी टू है, सी टू वाला सी वन में से इधर आ जाएगा, यानी कि सी टू वाला सी वन की तरफ आ सकता है, सी वन वाला सी टू की तरफ जा सकता है। ये परफोरेटेड होल है, छोटे छोटे होल जो एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन से पास कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने माना ये सी वन सॉल्यूशन है, कौन सा है हमने मान लिया, ये मान लिया सॉल्यूट है हमारा, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है हमारे पास। सॉल्वेंट बेटा याद रखिएगा, देखिए एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, वैसे तो आप बड़े क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे, सॉल्यूशन जो बनता है वो दो चीज़ों से बनता है, किससे बनता है, दो चीज़ों से बनता है, एक बनता है सॉल्यूट से, एक बनता है सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन किससे बनता है, जब आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन बनाते हो घर पे, कोई भी आप शरबत वगैरह बनाते हो, कैसे बनाते हो, दो चीज़ें डालते हो ना, एक जो आप डालो जैसे कि मान लो रूह अफ़ज़ा बनाना है, ठीक है, तो रूह अफ़ज़ा में क्या डालते हो, रूह अफ़ज़ा डालते हो और क्या डालते हो, चीनी डालते हो। तो दो चीज़ें होती है ना, एक चीनी और एक पानी, चीनी डालते हो पानी डालते हो, ठीक है। तो एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट किसे कहा हमने, चीनी को कहा है, पानी को कहा, हमने कहा चीनी होती है सॉल्यूट, और जो सॉल्वेंट होता है वो पानी होता है। जो ज़्यादा अमाउंट में हो उसे सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम अमाउंट में हो उसे सॉल्यूट कहते हैं, इतना समझ लीजिए। जो ज़्यादा अमाउंट में हो सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में हो सॉल्यूट हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन दो चीज़ों से बनता है। अब हमने कहा ये एक सॉल्यूशन सी वन है, एक सॉल्यूशन सी टू है, ये हम डिफ्यूजन का बता रहे बेटा, आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट है हमारे पास, हमने कहा इसका अगर हम कंसेंट्रेशन हाई कर देंगे, हाई कर देंगे, कैसा कर देंगे, हाई कर देंगे, इसका कंसेंट्रेशन हमने हाई कर दिया, हमने कहा इसका कंसेंट्रेशन भी हम हाई कर दे रहे हैं, क्यों, इसका कंसेंट्रेशन भी हम क्या कर दे रहे हैं, हाई कर दे रहे हैं। तो हमने कहा ये जो सॉल्यूट है इसका कंसेंट्रेशन हाई है, इसका भी कंसेंट्रेशन हमने हाई रखा है, तो यानी कि ये सॉल्यूशन हमारा, मान लिया हमने कहा इसका कंसेंट्रेशन हाई ना रखते हैं, ये नॉर्मल है मान लिया, ठीक है, नॉर्मल समझिए, इसका कंसेंट्रेशन हमने एक को हाई कर दिया। वैसे होते तो डिफ्यूजन में दोनों ही आना जाना दोनों का लग रहता है, डिफ्यूजन में सॉल्यूट सॉल्वेंट एक दूसरे के दोनों आ जा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा, एग्जांपल लेने के तौर पे हमने सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन हाई रखा है, ज़्यादा कर दिया, इसका हमने एकदम नॉर्मल सेम एकदम रखा हुआ, ज़्यादा नहीं करा। तो यानी कि सॉल्यूट जो होगा हमारा ये इधर से इस तरफ जाके पास हो सकता है। आप कहेंगे सर इधर से इधर कैसे आ जाएगा, हमने पहले बता दिया बीच में होल है, जा सकता है, ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, कोई लेयर नहीं है, ये एक दूसरे में होल है। तो यानी कि सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन वगैरह ज़्यादा होगा तो ये इधर से इधर मूव करेगा और वापस सॉल्यूट के जो हमारे जो पार्टिकल्स होंगे उसको अपनी तरफ वापस भी ले आएगा। तो हमने कहा अगर ऐसे सॉल्वेंट का अगर हम हायर कंसेंट्रेशन कर देंगे, मान लीजिए इसका लो कर दें, तो ये इधर से इधर आ सकता है और इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो इधर से इधर ले आएगा। तो यानी कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की पार्टिकल को भी अपनी तरफ ला सकता है या लोअर से अपने हायर भी जा सकता है, ठीक है, लोअर से हायर नहीं, सॉरी हायर से लोअर में जाएगा, ये याद रखिएगा। एक को आपको हायर कंसेंट्रेशन पे लगाना ही पड़ेगा, दोनों को आप नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का कंसेंट्रेशन हायर ही होता है, ठीक है, दोनों का कंसेंट्रेशन हायर ही होता है, लेकिन हमने यहाँ पे एग्जांपल बताना था डिफ्यूजन का तो हमने आपको बता दिया। एक से इधर जाएगा तो हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, फिर ये इसके भी पार्टिकल ले आएगा, आप कहेंगे सर ये बीच में होल लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हमें ये पता चला, अच्छा ये कब तक चलता रहेगा, ये जब तक चलता रहेगा जब तक ये इक्वल ना हो जाए, जब तक ये इक्वल ना हो जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इक्विलिब्रियम में आने के लिए ऐसा साइन होता है बेटा, ठीक है, अगर हम सिंगल एरो लगाते तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा चला जाता, नहीं हमने दो एरो लगाए, कैसे एरो लगाए हमने, ऐसे लगा, एक ऐसे लगाया और एक ऐसे लगाया, यानी कि जाएगा भी आएगा भी। तो ये इक्विलिब्रियम जब तक ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए तब तक कि ये रुकेगा नहीं, जब तक कि इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। तो सर हमने इसे क्या ऑब्जर्व करा, इससे हमने ये ऑब्जर्व करा कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मिक्स होता है और आपस में डिफ्यूज हो जाता है, यानी कि डिफ्यूजन हम और कैसे कह सकते हैं, डिफ्यूजन को ये भी कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा हीट करोगे उतना ज़्यादा डिफ्यूज होगा, जितना ज़्यादा हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो डिफ्यूज होगा। मान लो ग्लास लो, ग्लास में हमने ये क्या करा, हमने ग्लास लिया, ग्लास के अंदर हमने ये पार्टिकल मान लो चौक है हमने डाल दी, हम नीचे से हीट कर रहे हैं, हीट करते करते क्या हुआ, चौक अंदर क्या हुई, चौक पूरी की पूरी डिफ्यूज हो गई। डिफ्यूज क्यों हुई, क्योंकि जितना ज़्यादा हीट करोगे उतना ज़्यादा डिफ्यूज होगा, ये ऑब्जर्वेशन हमने देखा। यानी कि हमें ये पता चला कि यानी कि हमारे पास ये पता चला कि
पार्टिकल्स जो हमारे पास सॉल्यूशन जो वाटर था उसके अंदर स्पेस था तभी वो चीज डिसॉल्व हुई, ये हमको दोबारा भी पता चला, ये मैं पहले भी पढ़ चुके थे, अब यहाँ पे भी हम लोग को यही चीज आई, ठीक है। डिफ्यूजन समझ गए, डिफ्यूजन की ये हेडिंग है, आप नोट कर लेगा। अब हम बेटा चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। एनसीईआरटी में जो दिया है वो क्या दिया है, वो दिया है आपको पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल को कैसे अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, एक किसको ये कैसे खींचेगा और ये किसको कैसे खींचेगा। तो चलिए समझते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो सर बताइए कैसे करते हैं, तो एक्टिविटी 1.6 में आप देखिएगा बेटा अपनी एनसीईआरटी में, उसमें आपको कुछ हमने यहाँ पे हेडिंग लिख दी है, आप पूरे पॉइंट्स उसे उतार लीजिएगा, ठीक है। हमने लिखा प्ले द गेम इन द फील्ड, मेक फोर ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन। आपको अपनी बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में तो वहां पे कुछ गर्ल्स एक दूसरे को पकड़ के ऐसे खड़े होंगे, ठीक है, ऐसे करके, या बॉयज आपस में, या कुछ बुक्स में कुछ गर्ल्स बनी है कुछ में बॉयज बने, ज्यादातर गर्ल्स बनी है उसमें, ठीक है, आप देख लेगा वो ऐसे करके एक्टिविटी 1.6 में ऐसे करके खड़ी हुई है। उसमें क्या बता रहे हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि एक पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमारा एक दूसरे से कैसे अट्रैक्ट करता है। तो सुनिए, उस एक्टिविटी में ये बताया है कि हम कोई एक ग्रुप बनाए, 4, 5, 6 जितने का भी आप ग्रुप बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, मान लिए हम हैं या आप हैं, हम आप और दो जन और आ गए, 2-4 जन और आ गए, आपस में यू करके एक दूसरे की बैक पे हमने क्या करा, एक दूसरे को पकड़ के यहाँ पे ग्रुप बनाया और कस के पकड़ लिया, ठीक है, ऐसा समझिए। इसको मैं कहाँ लिखूँ, ऐसा समझिए, इसको मैं रफ कर दूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा समझिए कि हमने क्या करा, एक हमारे पास ग्रुप है ये वाला, ये मेरी डायग्राम तो इतने अच्छे नहीं है फिर भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है, और एक तीसरा ग्रुप हमारा है ठीक है। अब हमने ये पास पास क्यों बनाया बता रहे हैं, ठीक है, ये हमने दूर दूर क्यों बनाया, हमने क्या करा, हमने तीन ग्रुप लिए, मान लिए तीन जन हैं, तीन लोग हैं, पहले वाला ग्रुप एक दूसरे की पीठ यानी कि बैक में यूं करके हाथ डाल के खड़ा हुआ कस के पकड़ा हुआ है, ठीक है, इतना समझे। दूसरा ग्रुप जो है हमारे पास वो एक दूसरे की उंगली पकड़े हुआ है, देखिए उंगली पकड़े हुआ है यहाँ से यूं करके पकड़े हुआ है, ठीक है। तीसरा ग्रुप जो है वो यूं शोल्डर से दूसरे वाले बंदे के शोल्डर से यूं करके खड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे अट्रैक्ट है। तो हमने कहा सबसे ज्यादा अट्रैक्शन ऑफ किसमें है, पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा कौन ताकत से एक दूसरे को पकड़ा है, ये बैक वाले या उंगली वाले जो पकड़े में यूं करके या शोल्डर लगाए हुए, सबसे ज्यादा अगर देखेंगे एक दूसरे की बैक पकड़ के यूं खड़े हुए वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा हम सर्फेस एरिया वहां पे कवर कर ले रहे हैं, पूरा हम उसको पकड़ ले रहे हैं पूरी ताकत से, हम छूटने की कोई भी हमारा वहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। उंगली से पकड़ेंगे ये भी एक तरीके से ज्यादा मतलब सेफ रहेगा, लेकिन इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, जिसमें इतना इसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इसमें थोड़ा सा कम होगा। अब शोल्डर वाले में देखेंगे तो शोल्डर वाले में बहुत ज्यादा आप देखेंगे सबसे वीकेस्ट फोर्स होगा, क्यों, क्योंकि भैया हम सीधे खड़े में, दूसरा बंदा हमारे यहाँ खड़ा हुआ शोल्डर से शोल्डर लगाएगा, मान लिया अगर हम थोड़ा सा हिले भी तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें, यानी किसी ने क्या पूछा था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें है, ज्यादा एक दूसरे को पकड़ के रखने में इसमें है। तो इसमें हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसमें, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा वीकेस्ट बॉन्ड होगा, वीकेस्ट फोर्स होगी या बॉन्ड भी कह सकते हैं। इसमें क्यों होगी, क्योंकि भैया शोल्डर है, शोल्डर से क्या हो, हल्का से भी अगर धक्का लगा तो जाके एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, दूसरे को पकड़े तो है कम से कम, इसमें क्या हुआ उंगली पकड़े में एक दूसरे की, लेकिन ये भी इससे ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है,
ये ज्यादा इतना नहीं, इससे ज्यादा अट्रैक्शन। तो उसमें यही पूछ रहा था और इन्होंने यही एग्जाम्पल दिया था आपकी एनसीईआरटी में, तो बेटा इसको नोट करिए फिर। और जो है हम आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी अपनी चलते हैं 1.7 की तरफ। नोट करिए बेटा जल्दी से आप इसको। अब देखिए बेटा आपके पास जो आई है एक्टिविटी 1.7 आई है, ठीक है। एक्टिविटी 1.7 आई है, उसमें क्या बताना है हमें। एक्टिविटी 1.7 में देखिए हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें करेक्ट करी हैं। क्या क्या चीज़ें करेक्ट करी हैं हमने बेटा, जो यहाँ पे करेक्ट किया है, डे का आयरन नेल, आयरन नेल जानते हैं, कील जिसको बोलते हैं, ठीक है, लोहे वाली कील। अ पीस ऑफ चौक, चौक लेंगे, आयरन नेल लेंगे, और क्या लेंगे, रबर बैंड लेंगे। हमने तीन चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट करनी है एक्टिविटी 1.7 में। एक यहाँ पे आयरन नेल लेना है यानी कि कील, और यहाँ पे पीस ऑफ चॉक लेना है, चॉक एंड रबर बैंड लेना है। इससे क्या होगा सर, इससे यहाँ पे देखना है कि जो हमारे पास हेडिंग थी, क्या थी हेडिंग इससे पहले, अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, कि किसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स का है। तो हम वही एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं उस एग्जाम्पल को समझाने के, उस हेडिंग को समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया है आयरन नेल लिया है, ठीक है। तो आयरन नेल में आप देखेंगे वो क्या होता है, आयरन नेल कैसा होता है, सॉलिड में होता है ना, सॉलिड स्टेट में होता है, एकदम एकदम बंधा हुआ होता है। ये चौक है, ये भी एक सॉलिड है, वैसे ये टूट जाएगा, ब्रिटल है, आई नो दैट। लेकिन आयरन नेल जब आप देखेंगे, इसको कील बोलते हैं, सॉलिड स्टेट में, उसमें क्या होगा, हमारे पास जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स यहाँ पे देखिए ऐसे, अगर ये कील है हमारे पास, तो इसमें सारे पार्टिकल एकदम आपस में बंधे हुए होंगे। तो इसलिए इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था, ताकत जो है, ज्यादा बंधी हुई है। क्यों? क्योंकि इसके सारे एटम्स मॉलिक्यूल एकदम करीब करीब मिले हुए, क्लोजली पैक्ड हैं सारे, जितने आप देखेंगे। अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए, यहाँ पे मान ली कील है और सारे मॉलिक्यूल आपस में क्लोजली पैक्ड है सॉलिड फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ज्यादा अट्रैक्शन है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो मोर बॉन्डेड, या इसको ऐसे भी कह सकते हो मोर बॉन्डेड वेरी स्ट्रांगली, ज्यादा बॉन्डेड है, ठीक है। तो आयरन नेल में कैसा होगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा बॉन्डेड स्ट्रांग होगा, ठीक है। पीस ऑफ चॉक में कैसा होगा, पीस ऑफ चॉक में आप लेंगे तो क्या ये टूट सकता है, देखते हैं, तो टूट सकता है, ठीक है। यानी कि इसमें ये इजिली ब्रेक हो जाएगा, ये है तो सॉलिड, लेकिन ये क्या शो कर रहा है, ये ब्रिटलनेस शो कर रहा है। ब्रिटलनेस का मतलब बेटा होता है कड़कपन, ये जो हो रहा है शो कर रहा है हमारा पीस ऑफ चॉक, ये ऐसे समझ लीजिए पीस ऑफ चौक है हमारा, ये शो कर रहा है हमारा ब्रिटलनेस, BRITLE, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है कड़क, जैसे कि आप चाय वगैरह पीते हो तो उसमें जैसे बिस्किट डालते हो डूब जाता है और टूट भी जाता है, बहुत गुस्सा आता है। तो उसमें क्या होता है, वो बिस्किट जो होता है हम तोड़ सकते हैं, तो कैसे टूटता है, आवाज़ आती है, आवाज़ वैसे ज़्यादा तो नहीं आती, वैसे फिर भी आप ध्यान से सुनेंगे तो कड़क होता है, ठीक है। तो वो ब्रिटलनेस होता है, टूट जाता है। तो वैसे ही हमारी पीस ऑफ चौक क्या है, ईजिली ब्रेक हो जाती है, ठीक है, इसके मुकाबले तो ईजिली ब्रेक हो जाती है, तो सॉलिड है, ठीक है, मेटल है ये हमारा, ठीक है, आयरन नेल है, और ये पीस ऑफ चॉक ईजिली ब्रेक हो जाती है। और रबड़ बैंड में कैसा अट्रैक्शन है सर, रबड़ बैंड में तो सॉलिड है, हाँ सॉलिड तो है, लेकिन क्या है, जितना आप उसको खींचोगे उतना ज़्यादा खींचता चला जाएगा। यानी कि हमें अगर इसमें से हम कहें सबसे ज़्यादा आसानी से या सबसे दिक्कत से कौन टूटेगा, या किसी को हम काटे तोड़े, मान ले हमने कहा यहाँ पे लिखा हमने हैमरिंग, ठीक है, हैमरिंग हैमरिंग लिखा, और फिर हमने लिखा यहाँ पे कटिंग, दिखाई दे रहा है ना बेटा आप लोग को, हैमरिंग कटिंग, और हमने लिखा यहाँ पे स्ट्रेचिंग, ठीक है, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है खींचना, हैमरिंग का मतलब हथौड़ा मारना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, आयरन नेल पियो हम कैसे तोड़ सकते हैं, कटिंग करके ना, कैसे उसको ठोक सकते हैं, कैसे उसको दबा सकते हैं, कैसे उसका शेप चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग खींच के ना, हैमरिंग करके, हम आयरन नेल को सिर्फ और सिर्फ हैमरिंग करके तोड़ सकते हैं या उसको हम मोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ज़्यादा बॉन्डेड है। और हम कटिंग किसका कर सकते हैं, चौक का कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रिटल है, कड़क है, इसलिए हम कर सकते हैं। तो हैमरिंग में आएगा हमारे पास किसका, आयरन नेल का, कटिंग में आएगा हमारे पास चॉक। वैसे कटिंग क्या आप हाथ से भी तोड़ सकते हो, कटिंग करोगे तो भी टूट जाएगा। और हमारा जो लास्ट में आएगा बेटा यहाँ पे रबड़ बैंड, रबड़ बैंड को जितना आप स्ट्रेच करोगे उतना ज़्यादा जाएगा और उतना ज़्यादा वो खींचेगा, और ज़्यादा खींचोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था पार्टिकल्स ऑफ मैटर ज़्यादा किस में अट्रैक्शन होता है, तो आप कहेंगे आयरन नेल में। कह
कहेंगे सबसे आसानी से कौन सा टूट सकता है, सर रबड़ बैंड, ठीक है चौक, ठीक है चौक भी टूट सकती है हमारी, सबसे मुश्किल से कौन सा टूटेगा, आयरन नेल, किसमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, आयरन नेल में, किसमें सबसे कम होगी, पीस ऑफ चौक, रबड़ बैंड, इसमें भी थोड़ा सा होगा लेकिन इसमें बहुत ही कम होगा, ईजिली ब्रेक हो जाएगा, ये मॉडरेट है, ये जल्दी ईजिली टूट जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा बीच का है, ये ना एकदम ज़्यादा ना एकदम कम, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी 1.7 आपकी हो गई। अब देखिए बेटा आपकी जो लास्ट एक्टिविटी है, ठीक है इसके बाद हम लेक्चर को थोड़ा रेस्ट करते हैं, ठीक है आप लोग भी रेस्ट कर लीजिएगा। एक्टिविटी 1.8 में क्या है, ओपन एट वाटर टैप। आप अपने घर में क्या करिएगा, आप एक बड़ा सा आप ऐसा देखिए, आप बकेट लिए, ठीक है बकेट आपने लिया या आपने वेजन लिया, इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं ताकि बच्चे जाते जाते थोड़ा खुश हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक हमने अच्छा सा बीकर ले लिया, क्या ले लिया, बीकर ले लिया। उस बीकर के अंदर हमने क्या करा, यहाँ पे टैप वाटर से पानी भर लिया, हमने क्या करा ओपन अ वाटर टैप, वाटर टैप खोला हमने, उसमें क्या करा ब्रेकिंग स्टीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर, हमने इसमें क्या लिया एक बकेट लिया, बकेट में हमने बड़ा सा या बीकर में हमने पानी भरा, उसमें हमने क्या करा, उसमें हमने डाला अपना हाथ, ठीक है ठीक है अपना हाथ डाला, उंगली डाली, ठीक है यूं करके चलाते नहीं हाथ उसे, कभी कभी चम्मच नहीं मिलता है घर में, गुस्सा आ जाते हैं फिर क्या करते हैं हाथ से ही चला लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे हाथ डाला, हाथ डाल के पानी को यूं चलाया, क्या आप इसका जो फ्लो है जो मोशन है पानी का, क्या आप अपने हाथ से कट कर सकते हो वाटर को, नहीं कर सकते। वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, क्या आप अपने हाथ से ये जो पानी ये तैर रहा है, क्या आप अपने हाथ से यूं करके पानी काट सकते हो, पानी कट जाएगा, नहीं क्यों, रीजन बताइए, बुक में देखेंगे कहेंगे आपने इससे जो ऑब्जर्वेशन किया इसका रीजन बताइए क्यों। आपने बकेट लिया, बकेट में पानी डाला, पानी में आपने जो हाथ डाला, हाथ डाल के आप यूं क्या एक बार उंगली चलाओगे तो क्या पानी कट जाएगा, वहां पे जगह नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, आप चाहे जितना पानी को हाथ से काटो, चाहे पूरा हाथ डाल के काट दो पानी को या उंगली डाल के, नहीं टूटे नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि भैया इसमें मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ज्यादा है, आप ये थोड़ी ना कर सकते हो, आप क्या हाथ हवा में यूं मारोगे तो क्या आपने हवा को कट कर दिया, आप वो जगह का स्पेस हटा दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वैसे यहाँ पे क्या है पानी है, पानी में यूं हाथ डाल रहे हो तो आप इसको अट्रैक्शन को नहीं कर सकते, ठीक है कम नहीं कर सकते, आप कट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पूछेगा वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, तो आप कहेंगे क्यों, इसका आंसर क्या है, आप कहेंगे नहीं क्यों, क्योंकि मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पानी के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। तो बेटा आप यहाँ तक कि आप इसको नोट करिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं उसमें इसके आगे का बताऊंगा। थैंक यू।